नमस्कार आदाब, मैं इस्लाम अंसारी स्वागत करता हूँ आप सबका जन जागृत न्यूज सच के साथ में। मांडा ब्लॉक की नगर पंचायत भरतगंज के कटरा इलाके की स्थिति इन दिनों बहुत ही दयनीय दशा में चल रही है, जिससे लोग परेशान हैं। कभी नालियों का पानी रिसाव हो रहा है तो कहीं लोग बदबू भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा ग्रामीणों पर समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि स्थानीय ग्रामीण गुलाम कादिर ने बताया कि टाउन एरिया में उक्त समय की दर्जनों बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक समस्या का निस्तारण नहीं कराया जा सका है। ग्रामीण इस बात बताया कि इलाके में बनी नालियाँ पूरी तरह जाम है, जिसके चलते उक्त स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि नालियों की साफ सफाई करा दी जाए तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्या समस्या है यहाँ का? यहाँ यही बात, हम पे पानी में है। पानी में हो आप लोग? हाँ। क्या मतलब कहाँ पानी है? ये दही का पानी है, पानी बारिश का पानी है, बारिश का पानी है। हाँ। तो इसका कोई उपाय नहीं बनाया क्या? ये उपाय नहीं बना, वही तो हम पे पानी में है। पहले कैसे रहते थे? इसके पहले गढ़ही पानी पहुंच जा रही है ये समय, मतलब कैसे किस तरह जाता था? कोई जाने के जगह होता था, रास्ता? हाँ, होता था। बाहर नाला बना हुआ, मुना वहाँ सफाइया नहीं कराए, नहीं प्रूव करे, पड़ा पड़ा ही रही है। क्या कर रहे? नाला का वारी कुल सामान रखे है वहाँ। कहाँ पर? ये आगे का साई माला वहाँ है ना, सब लेट पचौनी निकाल के फेंक देते, वही भटा है। अब जब टोंडरिया में जाओ तो कोई सुनता नहीं कि साफ कैसे होएगा कि नहीं होएगा, ये मतलब। तो आप लोग टर्न में गए हुए थे इनके थे मतलब? हाँ, मतलब कहते हैं, कहते हैं यहाँ के अध्यक्ष जो है उनसे भी कहे हैं। अध्यक्ष कौन? कौन अध्यक्ष है? जुझारू नेता है वो, तो सभासद है। हाँ, वही सभासद। अच्छा अच्छा, वो भी उनसे भी बोले हैं, कोई कुछ नहीं कार्रवाई बोलते। हाँ, निकल जाएगा, निकल जाएगा, कोई कुछ करता ही नहीं। नेता अब्दुल हक खान, यानी ये पानी जहाँ से निकलता है वहाँ के सभासद दूसरे कोई है। हाँ। तो यानी मतलब ये है कि जब उन सदस्य से कहेंगे तब काम होगा क्या? हाँ। तो उनसे आप लोगों ने नहीं कहा? पानी में से यहाँ दर्द दूर लड़का चर्चा नाती नाथ जैसे गिर ही भर ही बुरा ही लगा था, तो बताओ मैंने कैसे केयर से जाए, कौन रास्ता से मैंने जाए जो हमारे लोग को रास्ते में रही, खाए बिना चाह बने, खाना भी साग सब्जी बदे बने मर जाते, पानी में कैसे निकल के जाए खरीदने बदे। तो ये जो समस्या है या आज खड़ा हुआ है समस्या? अरे बहुत दिन से, बहुत कम से बात मैंने कहा था, जो दिन रहूँ के आगे मैंने दौड़ के रहेगा, पानी में से लखन गिरत भरा था। और जब जे चार महीन बार जब यही खड़ी जब जीता ही कोड रही, मैंने फला कर ऐसा करो ऐसा करो, कोनो बात नहीं हुई। तो अभी आपको कहने मतलब ये है कि आप लोग टाउन एरिया जा जा के थक चुके हैं? टाउन एरिया कई बार जा चुके हैं, कोई सुनवाई है नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। आएंगे जरूर पर देख के चले जाएंगे, जिससे भी बोलो यही बोलते है हाँ हो जाएगा हो जाएगा, होता ही नहीं कोई काम। आपका परिचय क्या है? मैं इनका बेटा हूँ, गुलाम सरवर का। यहाँ का पता क्या है? यहाँ का छोटे, मैं छोटे हूँ, वार्ड नंबर 9 है। वार्ड नंबर 9 है? हाँ। आपका नाम छोटे है? हाँ, गुलाम कादिर छोटे, दो नाम से मशहूर है। अच्छा, पर छोटे अच्छा। ज्यादातर जानते लोग जी। हाँ, ये मोहल्ला कटरा है, गैबिसा के पास में, भारतगंज एरिया। हाँ, भारतगंज एरिया, ये गैबिसा का दरगाह है जी। हाँ, धन्यवाद। चैनल पे दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृति।